तो सेलिंग सीखते हैं. इट इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग सेल्स से ताल्लुक रखते हैं. दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं कि सोनू जी, अगर जिंदगी को अभी रिवाइंड करने का मौका हो आपको और इतिहास में आप जा सकें, दोबारा जा सकें और करियर दोबारा से शुरू कर सकें, तो क्या डॉक्टर बनना चाहेंगे, क्या इंजीनियर बनना चाहेंगे, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहेंगे, क्या लॉयर बनना चाहेंगे, क्या स्टार बनना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे? तो मैं बोलता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ प्योरली कमीशन सेल्समैन. और वो अपनी जिंदगी में कुछ और पहले से शुरू करता. 26 साल में नहीं, कम से कम 15, 16, 17 साल में अगर मैं कमीशन सेल्समैन, नॉट अ सैलरीड सेल्समैन, दोनों में फर्क है. कमीशन सेल्समैन अलग होता है, सैलरीड सेल्समैन अलग है. जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, ये सब सैलरीड सेल्समैन है. किसी और के लिए अपना खून बेच रहे हो, हाथ ना उठा के खुश हो रहे थे तुम. आई वॉन्ट टू बिकम अ कमीशन सेल्समैन, नॉट अ सैलरीड सेल्समैन. तो मैं बहुत कमीशन सेल्समैन बनना चाहता था और बनना चाहता हूं, अगर फिर कभी मौका मिले रिवाइंड करने का और दोबारा से करियर शुरू करने का. कमीशन सेल्समैन एक ऐसा आदमी है जिसको पता होता है कि अपना पे चेक खुद लिख सकता है, जितना कमाना चाहे उतना कमा सकता है. और उसको पता है कि इन लाइफ रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट. उसको ये बात अच्छे से पता है और वो ये बोलता है बाजार में कि अगर मैं काम ना करूं, डोंट पे मी, डोंट पे मी इफ आई डू नॉट प्रोड्यूस. अगर मैं कुछ काम ना करूं तो मेरा पे आउट नहीं आना चाहिए. लेकिन सैलरीड सेल्समैन ऐसा नहीं बोलता. सैलरी से बोलता, आप मुझे को दे देना भैया, तंदा आए कि ना आए. तो आई वॉन्ट टू बिकम अ कमीशन सेल्समैन. माई डिफरेंस, इस दुनिया में एफर्ट्स कभी रिवॉर्डेड नहीं होते, हमेशा रिजल्ट्स रिवॉर्डेड होते हैं. सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ओलंपिक में जब प्लेयर जाते हैं या एशियन गेम में अभी प्लेयर गए थे, तो एयरपोर्ट पे छोड़ने वाले होते हैं 2, 4, 5, 10 लोग. लेकिन अगर वो मेडल लेके वापिस आता है ना, तो रिसीव करने वाले होते हैं 10,000 लोग. रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट. भाई, अगर एफर्ट्स रिवॉर्ड किए जाते तो छोड़ने भी 10,000 लोग जाते थे, छोड़ने गए 5 और गलती से वो सिल्वर ब्रॉन्ज गोल्ड ले आया. ए जंतर ढोले नगाड़े ले हार, आ मेरा राज्य आया. रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट. तो कमीशन सेल्समैन को ये बात अच्छे से पता है कि रिजल्ट्स रिवॉर्ड किए जाते हैं. और सेल्स की सबसे अच्छी बात है, इट्स अ लर्निंग जॉब. जैसे हर बिजनेस में सीखा जाता है, अ डॉक्टर कैनॉट फाइट फॉर यू इन अ कोर्ट, अ आर्किटेक्ट कैनॉट डू अ ब्रेन सर्जरी. हर किसी का अपना प्रोफेशन है यार. तो सेल्समैनशिप भी अपना एक प्रोफेशन है जिसको आपको सीखना पड़ेगा सर. अगर आप सीखने को तैयार हैं तो यह धंधा बहुत पैसा देता है, इतना कि आप कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते. अगर आप सीखना चाहते हैं तो अगले 1-1.5 घंटे बहुत खतरनाक और दिलचस्प बातें आप और मैं करने वाले हैं. आर यू विद मी? तो यू वांट टू बिकम अ कमीशन सेल्समैन, नॉट अ सैलरीड सेल्समैन. आगे लेके चलता हूं. हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड इज द प्रोफेशन ऑफ कमीशन सेल्स पर्सन. इट इज अ लर्न प्रोफेशन. एवरी प्रोफेशन नीड्स स्पेशलाइजेशन. इसको भी सीखने का जरूरत है. मैं किसी से पूछता हूं, हां भाई बिजनेस कर लोगे? बोला हां. तो मैंने बोला कैसे, हमको आता है? तो हमने बोला कैसे आता है, अरे हमने सेल्स किया हुआ ना, इसलिए हमको आता है. ऐसा नहीं होता सर. आपके पास लाइसेंस है ना? आपने बोला मेरे पास लाइसेंस है, मैं गाड़ी चला सकता हूं, और मैंने आपको ट्रक दे दिया, चला पाएंगे क्या? लाइसेंस किसी और चीज का है, उसे 2-व्हीलर चल सकता है, 4-व्हीलर चल सकता है, लेकिन ट्रक जेसीबी थोड़ी चला लेंगे. उसके लिए एक अलग स्पेशलाइजेशन का जरूरत है कि नहीं है? है ना? हम बैंकॉक में चले गए तो एक लड़का जस्की चला रहा था, है ना? तो जस्की वाला क्या करता है, जस्की चलाता है, पीछे उसको बिठा देता है कि तू बैठ पीछे खाली. अब वो लड़का उत्सुक था कि मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा. उसने बोला लाइसेंस है तेरे पे? उसने बोला है जी, ये लो. वो 2-व्हीलर का लाइसेंस दिखा रहा था अपना, जो फरीदाबाद में कोर्ट में बना था उसका. तो उसने बोला ये वाला लाइसेंस नहीं चाहिए, यहां जस्की का. बोला ये तो नहीं. हर चीज का अलग स्पेशलाइजेशन दोस्तों बाजार में होता है. सेल्स समझते हैं अगले कुछ समय में. व्हाट इज सेलिंग एंड हु आर सेलिंग? कौन सेल कर रहा है? मेरे हिसाब से इस दुनिया में सब सेल कर रहे हैं. डॉक्टर इज सेलिंग, इंजीनियर इज सेलिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट सेलिंग, एवरीबॉडी इज सेलिंग. क्या सेल कर रहे हैं? अपना टाइम, अपने एफर्ट्स, अपनी एजुकेशन. और हर सेलिंग का अपना प्राइस टैग है. जो जिस लेवल पे सेल कर रहा है उस हिसाब से पैसा मांग रहा है. एंड व्हाट इज सेलिंग? 5 key points सेलिंग के समझते हैं. नंबर 1, सेलिंग इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर. बहुत ध्यान से सुनिएगा अगले 2 मिनट में जो बताने वाला हूं आपको. सेलिंग क्या होती है? मुद्दे पे आ रहे हैं हम धीरे 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 चलते हुए. सेलिंग इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म.
पीला कर दिया है मैंने वो शब्द जो हाईलाइट है जिसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म, कि आप इस बिजनेस को लेकर कितने एंथुसियास्ट हैं, मतलब आप इस बिजनेस को लेकर कितने उत्सुक हैं, कितने ऊर्जावान हैं। वो ऊर्जा, वो उत्सुकता अगर आप ट्रांसफर कर सके बायर को तो आप सेल मैच्योर कर लेते हैं। इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम अ सेलर टू अ बायर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, एक उनका बहुत मशहूर डायलॉग था, कौन बताएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। अब वो बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े हैं, लोग हैं 100, 200, 500, 1000। अब नेताजी की स्पीच चालू हुई और नेताजी बोल रहे हैं ऐसा करो तुम मुझे वो दो। क्या दो? हां वो होता है एक लाल रंग का कुछ, हां लाल रंग का तुम्हारी रगों में भी है, हां तेरे में भी है सुधीर, तो एक काम करो तुम मुझे खून दे दो और मैं तुम्हें वो पक्का दे दूंगा जिसको बोलते हैं भाई मेरे आजादी, है ना। तो चलो सब दो। देता कोई है ना? नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े हैं 300-400 लोगों के आगे, आंखों में लहू उतरा हुआ है साला, रोंगटे खड़े हुए हैं और आवाज में निकल रही है कि साथियों देश को जरूरत है, तुम मुझे खून दो मैं पक्का तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। तो साला जो मोटिवेशन था, जो रोंगटे खड़े हुए थे, लोगों ने नसें काट दी, आग लगा दी, बोला बम बांध दो, लेकिन किसी भी हालत में अपने को आजादी चाहिए। इसको बोलते हैं एंथुसियाज्म, कि आप अपनी बात पूरी अट्रैक्शन के साथ, पूरे भाव के साथ सामने ट्रांसफर कर सकते हैं। या ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूं मैं सेल्स में, सेल करने जा रहे हैं, उससे पूछते हैं आपका नाम सुधीर, ये माल बेचने आया है। अरे बाप ने इतने प्यार से रखा था, सुधीर तो बोल। हाथ मिलाएंगे नहीं, हाथ दे देंगे, तू ही मिला ले भाई। एक्साइटमेंट ही नहीं। आपने जितनी बार भी मुझे देखा, जितनी बार भी मुझे मिले, आपको मैं कभी भी अनएनर्जेटिक लगा हूं, कभी लग ही नहीं सकता, क्योंकि सेल्स की पहली क्वालिटी और सेल्समैन की पहली क्वालिटी यह है कि रात को जागे भी सही तो साला एक्साइटमेंट के साथ जाग जाए, कि जागे भी सही अगर ना तो रोंगटे खड़ा हो जाए साला आसपास का कि साला जाग गया है कोई, है ना। अब ये जा रहा है धंधा दिखाने और चाल इसकी ऐसे है जैसे इसको वो बीमारी हो गया जिसका नाम मैं तुमको नहीं बता सकता है? ऐसे ढिल्लू ढिल्लू जाएगा, ढिल्लू ढिल्लू हाथ मिलाएगा, मेरा नाम राहुल, और सामने वाला करना भी चाहता उसको देख के ही ना करे, बोले भाई तू रहने दे कहीं और से ले लेंगे हम। ये गौरव जी बैठे हैं देखो सामने, ये और हम चिकन खाने गए एक दिन, बटर चिकन खाने गए और एक बहुत बढ़िया 5-star होटल में गए। अब वो 5-star होटल वाला बटर चिकन लेके आया और तकलीफ क्या थी गौरव जी को कि उसमें से लेग पीस एक था तो, और हमने मंगाया था फुल बटर चिकन। तो गौरव बोले उनको, वेटर को बुलाया, जी सर क्या ये सर, बटर चिकन सर, लेग पीस एक है, दो होते हैं सर, मुर्गी की एक ही टांग होती है सर। गौरव बोले साला हम दुनिया को पढ़ा रहे हैं तो हमें पढ़ा रहा है, हैं? बोले सर मुर्गी की एक ही होती है। गौरव बोला दो होते हैं साला, रोज खाता हूं मैं। बोला सर एक होती है। अब लड़ गए आपस में, अब क्या हो, बोला आओ सर दिखा देते हैं आपको जहां मुर्गी बंदी रहती है हमारी, आओ। अभी गौरव भी गए, मैं पीछे पीछे हो लिया। अब वहां मुर्गी सो रही, अब मुर्गी को अब कभी ध्यान से देखिए तो उसकी एक ही टांग नजर आती है, सोते वक्त दो कभी नहीं दिखती, उसका एंगल ही ऐसा है। तो बोला देखो सर एक है। तो गौरव बोला खुश उठाता हूं अभी भागेगी। अब वो मुर्गी नहीं ली, खुश खुश जोर से बोला खुश खुश खुश। अब मुर्गा भागा, अब भागा तो निकली दो, तो गौरव ने रैपट दिया वो साले दो नहीं है। बोले ऑर्डर देते वक्त ताली बजाई थी तूने, एक्साइटमेंट ऑर्डर देते वक्त क्या ये एक्साइटमेंट थी तुम्हारे अंदर। तो सेल्समैन 24 घंटे सोता जागता खाता पीता एनर्जी से लवरेज होना चाहिए यार, भरा होना चाहिए एनर्जी से, एक्साइटमेंट से भरा होना चाहिए। उदास लोगों की जमात नहीं है ये, उदास लोग एमएलएम में ना आए। और ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं एमएलएम में, बोलो जुड़ने के बाद ऐसा बैठा है, हां बोल
हमें पता है तू क्या बोलेगा. हमारा एक फ्रेंड था, तो बहुत सारे लोग बहुत समाने के बाद मिलते हैं मुझसे. तो अभी महीना सवा महीना पहले मैं उसको मिल गया. आजकल बड़ा ट्रेनर बना फिर रहा है. अच्छा, लोगों को ये भी बड़ी तकलीफ है मुझसे. अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमसे लिया कुछ नहीं, तुमको कहा कुछ नहीं, अपने रास्ते में चल रहे हो, तुम क्यों अड़ंगी डाल रहे हो? ये वो लोग हैं जिनके पास जब पैसा नहीं होता था पतंग उड़ाने का, तो इनके ऊपर से जो पतंग जा रही होती थी उसमें लंगा डालते थे. साला हमारे पे है नहीं, तेरी उड़ने नहीं देंगे. अब ये बड़े हो गए, लेकिन आदत तो जाएगी नहीं. अब समझ तुम गए हो गए. अरे भैया, हम अपनी उड़ा रहे हैं, तुझे क्या तकलीफ? तू उड़ा ले अपनी, बड़ी ले आ. तो मिल गया दोस्त. आजकल बड़ा ट्रेनर बना फिर रहा है. मैंने कहा भाई क्या गलती होगी, कुछ हमें भी बता जिससे हम जिंदगी में आगे बढ़ जाएं. और पी रहा था सिगरेट. तो मैंने उसको बताया कि यार कुछ हैबिट्स होती हैं, मतलब मैं तो, हमें तो मौका चाहिए बस. तो चाबी भर चालू अपन तो. अरे हमारी दो बातें से किसी का भला हो जाए तो क्यों ना बोले यार. तो मैंने उसको दो बातें बोली. ये तो मुझे पता है, कुछ नया बता. मैंने फिर अपना टॉपिक चेंज किया, वैल्यू सिस्टम की बात करी. वैल्यू बढ़ानी चाहिए, टाइम बढ़ा के पैसे नहीं आते. ये तो हमको पता है, कुछ और बता. फिर मैं टाइम मैनेजमेंट पे आ गया. फिर मैंने बताया, कुछ बढ़िया बता, ये हमको पता है. पर्सनल डेवलपमेंट पे आ गया, 5 मिनट रगड़ा उसको. कुछ बढ़िया बता, ये हमें पता है. मैंने कहा तेरे सामने सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि साले तुझे सब पता है. तेरे साथ सबसे बड़ा तकलीफ यही है, लोग बाजार में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन के घूम रहे हैं और काम उतने भी नहीं करेंगे जितना अंधा करता है. अंधा भी उनसे ज्यादा काम करता होगा, लेकिन नॉलेज में वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है. एंथुसियाज्म का काम है सर नेटवर्क मार्केटिंग. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक्साइटेड नहीं रह सकते और अपना एक्साइटमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल कन्वर्ट नहीं होता कभी भी. मेरी पहली बात याद रखिए कि आपको इस बिजनेस में एक्साइटमेंट दिखाना है. एंथुसियाज्म मतलब हमेशा प्रफुल्लित, चेहरे पे मुस्कान, मस्त. और जब आप किसी से हाथ मिलाएं तो उसको लगना चाहिए किसी मर्द का हाथ पकड़ा है उन्होंने. तो लगना चाहिए, है ना? और मतलब मर्द का मतलब जेंडर पे मत जाना. लेडी भी पकड़े तो लगना चाहिए कि किसी का हाथ हाथ में आया है यार. मतलब लगना चाहिए कि कोई व्यक्ति मिल के गया. करे ना करे, अपनी छाप साले की आत्मा पे छोड़ देना यार. सेलिंग इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू बायर.